फिर से स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में और हम आज आ गए आपको दरभंगा के अंदर स्विमिंग पूल का आप लोग को एंजॉय दिखाने के लिए। और कहाँ पे है ये स्विमिंग पूल और इसमें कितना चार्ज लगेगा और क्या यहाँ पे व्यवस्था है, तो टोटल चीज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहुँच गया हूँ आपको स्विमिंग पूल के प्लेस पे। हमारे पीछे देख सकते हैं ये है आपको स्विमिंग पूल, स्विमिंग दरभंगा स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट, यहाँ पे सामने भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। मैं आपको ये लोकेशन बता दूँ, ये लोकेशन आपको नाका 6 के बगल में, जो कि आपको जिला हाई स्कूल है उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप है, वही पेट्रोल पंप के पास जस्ट बगल में आपको ये वाला रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल इसी के अंदर है। तो चलिए हम फटाफट अंदर चलते हैं और यहाँ का क्या रिव्यू आता है सब कुछ आपको दिखाते हुए अंदर चलते हैं। चलिए खाना भी हम लोग अंदर चलते हैं। आपको अंदर से बिलिंग लिया है और यहाँ का क्या चार्ज है मैं वो भी आपको बताऊंगा और इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे अब स्विमिंग पूल के पास। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट पीछे था और ये आपको सामने स्विमिंग पूल का नजारा, तो जो भी आप पास लेंगे तो यहाँ पे दिखाना होगा और यहीं से कॉस्ट्यूम मिल जाएगा क्योंकि हमारा कॉस्ट्यूम है यहाँ से, मेरा ही वाला है ये मेरा वाला कॉस्ट्यूम है जिसमें आपको ओनली फॉर नीचे का पैंट मिलेगा, ऊपर का नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट इसको चेंज करते हैं और क्या आगे कराता है आपको पूरा एंजॉय देते हैं। स्नान कर लिए, हम लोग का टाइम लिमिट था 1.5 घंटे के आसपास मिलता है, तो 1.5 घंटे में हम लोग खूब मस्ती किए और टोटल चीज आप लोग देख ही लिए। तो चलिए अब यहाँ का हम प्राइस का बात करते हैं। तो यहाँ पे पर पर्सन का प्राइस आपको 200 रुपया प्लस में आपको लॉकर चार्ज लगेगा और अगर आप टॉवल लेते हैं उसका चार्ज अलग से लगेगा। तो फाइनली यहाँ का ये प्राइस है और लोकेशन आप लोग को हम बताएंगे कहाँ पे लोकेशन पड़ता है। चलिए अब मिलेंगे अगले जगह अगले इंटरटेनमेंट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।